आज अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रेटा, जो कि हमारी बेस वेरिएंट आई थी हमारे पास, और इसके अंदर सारी टॉप मॉडल एक्सेसरीज इंस्टॉल करी है, चाहे वो हेडलाइट हो, अलॉयज हो या फिर फॉग लैंप हो। सर आए थे हमारे पास, सर से सबसे पहले नाम जानेंगे। सर नाम बताओ एक बार। डॉक्टर सुनील पांडे। ठीक है, कहाँ से आए थे सर आप? अयोध्या यूपी। ठीक है, आपकी बेस वेरिएंट थी क्रेटा? जी। ठीक है, आपने वीडियो देखा था कि रैंडमली आए हो आप? नहीं, वीडियो भी देखा था। ठीक है, यहाँ के लोगों ने बताया था, लोगों ने बताया कि क्रेटा के लिए निकोबिया के पास जाना है। निकोबिया हमारे पास है। निकोबिया प्राइजेस बताओ सबसे पहले, क्या क्या इंस्टॉल किया वो बताओ एक बारी। इसमें हम टॉप मॉडल वाली हेडलाइट। ठीक है, ठीक है, जिसकी प्राइस 35,000 का। ठीक है, एक पीस, दो पीस? दो पीस, दो पीस। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर जो बिलिंग जो होता है उसके लिए जो कैनवस लगता है, ठीक है, वो लेबर वो मिला उला के सवार वाला कॉस्ट 4,000 का ऊपर है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ओरिजिनल हुंडई का फोक लैंप डाला हूँ। ठीक है, और आज 100 पीस का। ठीक है, हुंडई का एयर डक जो है ओरिजिनल इंस्टॉल करा है इसके अंदर। चलो आप एक बार प्राइसेस बता दो, सामान तो मैं एक बार डिटेल में दिखा दूंगा। ये जैसे फोक लैंप का MRP पे 831 का एक पीस इसका। ठीक है, 1700 का मान लीजिए फोक लैंप हो गया इसका। ठीक है, MRP पे। ठीक है, साइड मिरर भी MRP पे। ठीक है, माने ओरिजिनल हुंडई के जितने भी सामान है सारे आपके पास इन स्टॉक होते हैं? हाँ हाँ। ठीक है सर, से जानना चाहेंगे सर प्राइसेस जो बताए जा रहे हैं क्या जेन्युइन है या फिर ऊपर नीचे कुछ है? डिब्बे पे थी वही प्राइस है। ठीक है, MRP पे मिला आपको? MRP पे मिला। तो आप अब डायरेक्ट अयोध्या जाएंगे या रुकेंगे एक आध दिन? नहीं, अभी तो स्टे करेंगे, यहां भाई रहता हमारा। अच्छा ठीक है, एक बार अब जो है डिटेल में गाड़ी दिखाना शुरू करते हैं। UP42 आप देख पाओगे सामने की तरफ, जो सर ने एक न्यू चीज लगाई है वो आपको दिखाऊंगा। भाई ये बम्पर प्रोटेक्टर कहते हैं इसको, डिफ्यूजर, फ्रंट स्प्लिटर या फिर बम्पर प्रोटेक्टर या डिफ्यूजर अगर आप देखोगे। सो ये वाला इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। इसमें एक आपका ये वाला पोर्शन आता है जो कि रेड कलर का रिफ्लेक्टर मटेरियल में है। अगर पूरी लुक की बात करोगे तो वो थोड़ी आपको दिखाना मुश्किल है एक फ्रेम के अंदर, बट ये जो है फ्रंट का थोड़ा सा लुक रहता है इसका। नीचे आपको यहाँ पे स्किड प्लेट भी इसके अंदर इनबिल्ट मिल जाती है जो कि सिल्वर कलर की आती है, और यहाँ अपना जो है थोड़ा सा क्रोम लगा हुआ है। ब्लैक कलर का पूरा अपना स्क्रू के साथ यहाँ पे लगता है ये चीज, जब इंस्टॉल हुई थी तब मैंने देखी थी। फिर अगेन जो नंबर प्लेट होते हैं वो आपके यहाँ पे जो है लग जाते हैं। इसके अंदर एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे अभी आपने देखा कि काफी सारे चलान वलान कट रहे हैं तो नंबर प्लेट जो हटाई जाती है वो होती है हमारी रिबिट पे, और अभी जो है ये स्क्रू पे लगी गई है, देख पाओगे। सो ये चीज सर को भी साथ साथ बताना चाहेंगे। सर इसके ऊपर जो है चलान रहता है तो जो रिबिट कंपनी लगा के देती है ना, अगेन आपको वही चीज लगवानी पड़ेगी जो कि आफ्टर मार्केट मिलती नहीं है, ताकि कह सकते हैं कि इंटैक्ट हो जाती है इसके साथ, गाड़ी के साथ। फिर चलते हैं अपने हेडलाइट के ऊपर। एक बार बोनट खोलना और हेडलाइट देखोगे तो इसके अंदर ट्रायो बीम हेडलाइट इंस्टॉल करी गई है। फॉग लैंप इंस्टॉल किया गया नीचे की तरफ विद हमारा HID 65 वॉट के अंदर, और साथ में एयर डक्ट भी इंस्टॉल किया गया जो कि जेन्युइन कंपनी का रहता है। और एक बारी आपको ये जो है पूरी वायरिंग दिखा देते हैं कि किस तरीके की वायरिंग इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। निकोबिया वायरिंग का जो होता है कि वायर कटिंग या फिर कोई चीज रहती है? कपलर टू कपलर। ठीक है, वो चीज आपको एक बारी दिखा देते हैं यहाँ पे। एक बारी बताओ, जैसे हम थिम्बल में फंसाते हैं यहाँ पे। ठीक है, थिम्बल में जो है वायर डाली गई है, कटिंग नहीं गए, और इसके बाद इसका टाई बेल्ट से ब्लास्टर को बनाया जाता है, और ये जो फोक लैंप का रिले वायरिंग लगाते हैं। ठीक है, फिल्म फंसा उसा के लगा देते हैं जो जिससे निकलता नहीं, कपलर मानते फंसा के लगाना होता है। ठीक है, इसमें जो हमारी वायरिंग होती है उसमें एक फ्यूज भी होता है, ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये फ्यूज होता है हमारा, उसके बाद सारे टाई बेल्ट से बना होता है। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें टाई बेल्ट से लगी हुई है। अंदर की तरफ तो भैया ने और कुछ इंस्टॉल कराया नहीं है? एक सीट को और साइड मिरर फोल्डिंग। ठीक है, एक बार साइड मिरर फोल्डिंग भी दिखा देते हैं भैया। ये क्या, ये ओरिजिनल है अपना साइड मिरर की कॉपी इसके अंदर मिल जाएगा? नहीं, ओरिजिनल कॉपी नहीं आया अभी तक। कॉपी आया हुआ लेकिन हम रखे नहीं है, चलते हैं वो वैसे। ऐसे जब ओरिजिनल इतना सस्ता है तो कॉपी रखने, कॉपी लेने का क्या फायदा जब इतनी महंगी गाड़ी ली है। नीचे की तरफ पडल लैंप देखने के लिए मिलेंगे, ओरिजिनल हुंडई की एंड किया की आपको नीचे लोगो भी देखने के लिए मिल जाएगा, और ऑटोफोल्ड आपको वर्किंग में दिखा दूंगा। सबसे पहले आपको इंडिकेटर दिखाते हैं कि किस तरीके, सबसे पहले आपको सीट कवर दिखाते हैं जिसके अंदर डोर के अंदर अपना ये सॉफ्ट टच वाली चीज जो है वो रेडी हुई है, देख पाओगे। तो ये चीज जो है यहाँ पे सॉफ्ट टच रेडी करी गई है। ये भी सीट कवर के साथ की होती है या डिफरेंटली अलग से आती है? अलग से आता है, ये अलग से आता है, जिसको करवाना है। ठीक है, जिनको नहीं करवाना नहीं करवाते, वो नहीं करवाते। फिर हमारा नीचे की तरफ भी मैट जो इंस्टॉल हुआ है ये अभी नए है, फ्रेश है, अभी इसकी जो है डस्ट लगी हुई है। और इस तरफ सीट कवर जो है हमारा इस तरीके का मिलेगा बकेट फिटिंग के अंदर। प्योर ब्लैक कलर सेलेक्ट करने का भैया कोई स्पेशल रीजन प्योर ब्लैक के लिए? बस ऐसे ही ब्लैक ही। हाँ। अच्छा, यही वाला व्हाइट स्टिच पे इनको चाहिए था, ताकि ये थोड़ा सा व्हाइट और ये व्हाइट जो है थोड़ा सा मैच हो जाए बेज के साथ, तो सेम सर ने वही चीज ली है। बाकी सीट कवर की फिटिंग जो आपके सामने यहाँ पे नजर आएगी आपको, बकेट इंस्टॉल हुआ है। भैया इसके अंदर सबसे सस्ते फैब्रिक की बात करें तो कितने का है? 4,000 से स्टार्टिंग। ठीक है, और महंगे महंगे जाएंगे तो कितना चला जाएगा? ठीक है, 15,000 तक चला जाता है इसके अंदर। हाई रेंज का क्वालिटी लगा हुआ है इनकी गाड़ी में। अच्छा, ये सबसे हाईएस्ट रेंज है। एक बार लाइट दिखाओ आप, मैं क्वालिटी दिखाता हूँ फिर। ये वही वाला है जो हमने एक्सयूवी के अंदर शूट करा है? अच्छा, ये वही वाला है। इसका ब्लैक कलर है। अच्छा, इसका ब्लैक कलर है, उसमें ब्राउन विद स्मोक ब्लैक था। आपको वो वाली वीडियो भी देखने के लिए मिलेगी, होपफुली आपको पहले देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अंदर जो हैंडरेस्ट वाला एरिया ये भी इंस्टॉल किया गया,
और साथ में इसके अंदर स्टेयरिंग रैप जो है उधर से मैं आपको इस तरफ आते हैं। सो स्टेयरिंग इसके अंदर भैया ने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से रैप करवा रखा है, जो कि अपना जिगजैग वाला पैटर्न होता है। इसके लिए स्टेयरिंग खोलना पड़ता है और स्टेयरिंग कंट्रोल लगाने के लिए भी स्टेयरिंग खोलना पड़ता है, तो इसीलिए भैया ने जो है उस तरीके से यहाँ पे अपना रैपिंग वाला इंस्टॉल कराया है। फैब्रिक की बात करोगे सेम आपका जो बिल्कुल प्रीमियम वाली चीज आती है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। 10.1 इंचेस का यहाँ पे एंड्रॉइड इंस्टॉल किया गया है। एक ऑप्शन और आता है जो बीच में नोब वाला आता है, तो वो जिसको अच्छा लगे वो भी अच्छा लगता है, ये वाला भी अच्छा लगता है, बट इसकी जो डिस्प्ले है ना ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लगता है देखने में, तो ये चीज ज्यादा आपको अच्छी लगेगी गाड़ी के इंटीरियर के साथ। फिर आते हैं हम इसके आगे पीछे, तो सर ने इसके अंदर जो प्रेफर करा है JBL GTO मार्केट में दोबारा आ चुके हैं भैया। JBL GTO आगे पीछे? हाँ आगे पीछे। आगे पीछे एम्प लगाया इसके अंदर? नहीं अभी एम्प नहीं लगा। एम्प नहीं लगाया सर, एम्प ना लगाने का रीजन क्या था? नहीं बस ऐसे ही, बजट नहीं था। ठीक है, बाकी JBL की साउंड कैसी? JBL की साउंड अच्छी है। GTO वन ऑफ माय फेवरेट कंपोनेंट्स रह चुके हैं, और मेरे फ्रेंड की जो सेल्टोस आने वाली है उसमें भी मैंने जो है GTO लगवाने हैं उसको, तो आगे पीछे GTO लगे हुए हैं। एक बार आपको साउंड आउटपुट भी सुना दूंगा। अभी फिलहाल अंदर दब चुके हैं। JBL GTO 609C करके एक सीरीज है, वो जो है मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगते हैं अपने बजट के अंदर। वैल्यू फॉर मनी कंपोनेंट अगर आप बोलोगे तो JBL GTO मेरे को बहुत अच्छे वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। बाकी हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। एक बार आपको साउंड आउटपुट सुनाते हैं। My own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the red through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who held my cars and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी जो भी ये अपनी लाउडनेस पे बज रहे हैं ये ओनली इसका 50-60% है, ये इसके डबल जा सकता है जब आप इसके अंदर एम इंस्टॉल करवाएंगे साथ में। और सर को वैसे ज़्यादा लाउड तो पसंद है नहीं आपको? बिल्कुल डिसेंट साउंड जो चाहिए था जैसा कंपनी फिटेड की तरफ से आता है, तो वो वाला साउंड GTO बहुत अच्छे से दे रहे हैं। क्लैरिटी इसके अंदर अच्छी खासी आ रही है, और ये बस ये लगा लो कि 50-60% पे भी आपने जो साउंड सुनी है, जबकि यहाँ से वॉल्यूम जो है अच्छी खासी कर रखी थी 98। साउंड जो इसके अंदर आउटपुट जा रहा है डायरेक्ट स्टीरियो की तरफ से जा रहा है, इसीलिए जो है आपने लाउडनेस इतनी ज़्यादा इसके अंदर अभी सुनी नहीं। बाकी इसके अंदर जब भी आप एम्प लगवाओगे, अगर आप JBL का 4 चैनल अच्छा एम्प लगवा रहे हो, सो साउंड आउटपुट बहुत अच्छी आने वाली है। वो होपफुली मैं मेरे फ्रेंड की जब सेल्टोस रेडी करेंगे उसके अंदर आपको साउंड आउटपुट सुनाऊंगा। आपको जो चीज़ इसके अंदर नहीं लगी है वो चीज़ एक बार आपको दिखा देता हूँ। जो इसके अंदर हमने न्यू टाइप अपना स्कफ प्लेट आई है क्रेटा की, जो कि आप देख पाओगे ये थोड़ी सी उभरी हुई होती है, लाइट होती है। एक बार आपको वो चीज़ भी जो है मैं ढंग से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो है बिल्कुल न्यू इन है मार्केट के अंदर और अच्छी भी लगती है देखने के लिए, देख पाओगे। तो इस तरीके की होती है, स्टील प्लेट होती है। इनकेस फ्यूचर में आपकी अगर लाइट ख़राब हो जाती है 1-2-5 साल बाद, तो आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, एक डिसेंट लुक जो है ये चीज़ आपको प्रोवाइड करवा पाएगी। फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। जो चीज़ रह गई थी हमारी शार्क फिन एंटीना, जो कि यहाँ पे ओरिजिनल लगाया गया है, और रूफ रेल जो है आफ्टर मार्केट रहते हैं हमारे, हैंडल क्रोम आफ्टर मार्केट रहते हैं, डोर गार्ड आफ्टर मार्केट रहते हैं, और अलॉयज जो है ये हमारे जेन्युइन कंपनी फिटेड के जो टॉप मॉडल के आते हैं डायमंड कट वाले, वो इंस्टॉल कराए हैं। सर काम का सेटिस्फेक्शन एक बार ऑडियंस को शेयर कर दो अपने काम। नहीं, अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा है, सही लगा आपको सारी चीज़ें? रिकमेंड करेंगे आप दोबारा आना? हाँ बिल्कुल। आपका कुछ इन बिटवीन रह गया कुछ काम जो आपको फ्यूचर में मन करे कि हाँ करवाऊँ? हमें लगता है सब कुछ हो गया है, थोड़ा मोड़ा बचा फिर आके करवाएंगे। ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। भैया टोटल जो बजट था गाड़ी का वो कितना था, क्योंकि जेन्युइन आइटम बहुत सारे लगे हैं इसके अंदर? 2 लाख के करीब। 2 लाख के करीब है, क्योंकि इसके अंदर एक तो हेडलाइट से जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है, अलॉय व्हील है, हाँ सारे मतलब जितने भी ओरिजिनल साउंड JBL अपना सब कुछ। सर के गाड़ी में दो ही काम तो नहीं हुआ जो पूरा होता है, एक अपना टेल लैंप, एक टेल लैंप नहीं हुआ, एक फ्रंट व्हील नहीं लगा, बस दो काम नहीं हुआ। और एम्प का तो सर को जरूरत है नहीं, क्योंकि सर ने कहा लाउड साउंड मेरे को चाहिए नहीं, एक जो क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है वो गाड़ी के अंदर से आ रही है। सो एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, होपफुली अगर वीडियो आपको पसंद आई है क्रेटा की, सो लाइक सब्सक्राइब शेयर, क्योंकि और क्रेटा की वीडियोज है वो आने वाली है, और इसके अंदर जो सारा टॉप मॉडल चीज़ें दिखा सकता था। अभी एक बार ऑटो फोल्ड भी दिखा देना बटन दबा के, तो जो टॉप मॉडल सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता था जो ओरिजिनल इंस्टॉल होती है, वो सारी ओरिजिनल इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है, और गाड़ी का पूरा जो लुक है वो आपके सामने। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।